हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जूस, जिसे हम लेमोनेड बोलते हैं या इसे लेमन सोडा भी बोला जाता है। ये गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए इसे आप फटाफट से बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। लेमोनेड या लेमन सोडा बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 15 फ्रेश मिंट लीव्स, 3-4 स्लाइसेस नींबू के, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए काला नमक, 1 नींबू का रस चाहिए हमें निचोड़ा हुआ, 2 टीस्पून हमें चाहिए चीनी, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए चाट मसाला, 4 से 5 हमें चाहिए आइस क्यूब्स, और यहाँ पे मैंने लिया है किनली का सोडा वाटर। तो सबसे पहले हम एक क्रशर ले लेंगे और इसमें हम थोड़े से मिंट लीव्स ले लेंगे और इसे हम क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से, और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे इसे आप इस तरह से क्रश कर लें, और क्रश करने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच जितना आप पानी डाल लें और इसे आप मिक्स कर लें, और इसे अब हम साइड में रख लेंगे। तो सबसे पहले हम चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे पानी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लें रूम टेम्परेचर का, और इसमें आप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लें ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, और इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे 1 ग्लास सर्व करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आइस को थोड़ा सा क्रश कर लिया है जार में, मिक्सर में। तो इसे क्रश करने के बाद इसमें आप डाल दें आइस क्यूब्स। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने मिंट लीव्स का जूस बना के रखा था, उसे हम छल्ले में डाल के इस तरह से छान लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी बिना छाने हुए भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे काला नमक, लेमन जूस और चाट मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे मिंट लीव्स की पत्तियाँ जो हमने बचा के रखी हुई थी, इसे हम हाथ से तोड़ के डाल देंगे, और 1-2 स्लाइस हम नींबू के भी डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे शुगर सिरप जो हमने डिज़ोल्व करके रखी हुई थी। अब इसमें हम डाल देंगे सोडा वाटर। तो सोडा वाटर यहाँ पर हमारा ठंडा होना चाहिए, तो इसे ग्लास को हम पूरी तरह से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद 1 स्लाइस हम नींबू का ग्लास में लगा देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जूस हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और हम सोडा वाटर से इसे हम ऊपर तक फिल कर लेंगे। तो ये लीजिए, बनके तैयार है हमारा लेमोनेड या लेमन सोडा। तो इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप इसे मिंट लीव से गार्निशिंग कर दें। तो ये लीजिए, बहुत ही क्विक सी रेसिपी बनके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।